वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स को। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऑनेस्टी के साथ वो सब्सक्राइब कर लें। अब आपको क्लास आपके स्कूल स्टार्ट हो गई मोस्टली, तो आप बैक टू बैक क्लास आएंगी, और एक दो क्लास और दो नई एक दो बुक आ रही हैं उनको भी स्टार्ट कराने के मूड बना रहा हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक एट नहीं देखा, सबसे पहले उसे देखें, उसके बाद इस देखें, क्योंकि आप उसको देखो तो बेसिक नॉलेज हो जाएगी परसेंटेज क्या हो। तो मैंने उसको उसमें बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 45% पीपल इन अ सिटी लाइक अ फुटबॉल। ये कह रहा है कि 45% एक सिटी में लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं, ठीक है, और 40% क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है, एंड जो बचा हुआ रिमेनिंग वो अदर गेम को पसंद करते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, वो कितना परसेंट लोग अदर गेम को पसंद करते हैं। इफ़ द सिटी पॉपुलेट 4 लाख पीपल इन, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक वन ऑफ दिस, मतलब इनका परसेंटेज में कितने नंबर होंगे जो लोग सब चीज़ पसंद करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम निकालते हैं टोटल जो होंगे, टोटल जो होगा वो 100% होगा। जैसे हम लिख लें, देखो बहुत जाने का पीपल, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पीपल लाइक फुटबॉल कितने हो गए 45%, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, पीपल लाइक क्रिकेट 40%, पीपल लाइक अदर गेम, ठीक है, अदर गेम्स। तो अब हम बताइए, जो भी चीज़ होती है वो 100% होती है, 100 में से 45 निकलेगी, 40 और निकल गई, तो अब देख सकते हैं यहाँ अगर सॉल्व करना चाहो, 100 जो होती है उसमें से हम इन दोनों को माइनस कर दें, ठीक है, यानी जो पीपल होंगे, पीपल जो अदर गेम पसंद कर रहे थे वो 15% है। बात समझ में आ गई। अब ये टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, देना टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है 4 लाख, ठीक है, 4 लाख है। अब ये 4 लाख में से 40% हमारे तो ये हैं, 40% ये हैं और 15% नहीं है, तो हम आराम से निकालते हैं। सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, ठीक है। तो हम ये 4 लाख का, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, 4 लाख का हम कितना निकालेंगे 45%, तो हम उसका नंबर पता चल जाएगा कितना है। तो आपको अच्छे से पता है कि हम इसे सॉल्व करने के लिए 45/100 1212, ठीक है, बचेगा क्या हमारा 4000 मल्टीप्लाई 45, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 नंबर ऑफ पीपल होंगे जो हमारे क्या फुटबॉल को पसंद करते होंगे, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, तो कितने हो जाएंगे हमारे, तो जो देखो 4 लाख का कितना निकालेंगे हम 40%, ठीक है, 4 लाख का 40% थोड़ा इधर लिख लेते हैं, यहाँ 1 0 और है, ठीक है, 3 0, ठीक है, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये 16 हो जाएगा,
ठीक है, 16 होने के बाद 1 0 और ये 4 0, यानी कि 1,60,000। अब जो अदर गेम वाले हैं तो ध्यान रखना, अदर जो गेम हुए, अदर गेम नंबर पूरे लिख देते हैं, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, समझ गए। अब वो क्या, या तो दो तरीका है, या तो आप इस 40 का 4 लाख का 15% निकाल दो, कितना जा 16, कितना हो जाएगा हमारा 16,000, ठीक है 16,000। या फिर इस 4 लाख में से इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करो, तब भी निकल आएगा, ठीक है, कैसे भी निकाल सकते हो। मैं परसेंटेज की फॉर्म बोला तो परसेंटेज की फॉर्म में, तो पहला हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 15% पूछा गया, दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा, फुटबॉल पसंद करने वाले, क्रिकेट पसंद करने वाले और अदर गेम पसंद करने वाले, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा 1 2 3 ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन था, आराम से हो गया होगा। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा से रिमाइंड करके देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना ऐसे क्वेश्चन की बहुत होती है, ठीक है। बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल, अच्छे से पढ़ेंगे उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन में 96 ऑफ स्टूडेंट पास्ड, समझे 96% स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, पास हो गए। दूसरे स्टेटमेंट एंड के साथ जुड़ रखा है कि 500 फेल हो गए, मतलब पास 96% हुए, फेल 500 हो गए। हाउ मैनी स्टूडेंट अपीयर इन एग्जामिनेशन, बात समझ में। क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें को घुमा फिरा के दिया गया, तो देखो पास स्टूडेंट कितने हुए, पास्ट ऑफ स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट होते कितने हैं हमारे, 100% होते हैं। जब टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं, बहुत ध्यान, टोटल 100% होते हैं, 96 पास हो गए, तो बच्चों कितने फेल कितने हुए, फेल हमारे 4% हुए होंगे, ठीक है, फेल हमारे 4% हुए। और 4% इक्वल टू हमें कितना दिया गया, 500, 500 स्टूडेंट दिया गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकलेगी 1 की। अब पता है टोटल हमारे कितने 100% होते हैं, तो टोटल 100 जब होंगे तो 500 × 4 × 400, जब इसको हम यहाँ से काटेंगे तो हमारा इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 125 और 2 0, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे हमारे, इतने आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 100% के इक्वल टू है, ठीक है, तो हमारे आ जाएंगे 12,500।
इजी क्वेश्चन था बस। इसमें तो देखो पास हमारे इतने हैं, टोटल हमारे इतने हैं, तो फेल इतने हैं, फेल की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू हमारी इतनी होगी और 100 ही हमारे टोटल स्टूडेंट के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। थोड़े घुमा फिरा के दिया जाता है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें जो हिंट दिया है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है, तो उसको मैं सही कर देता हूँ और क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। ठीक है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग करें तो आंसर आपका गलत बैठेगा। ठीक है, उसमें जो 120 जगह 125 होना चाहिए था। ठीक है, तो टू नंबर्स जो है आर रिस्पेक्टिवली, मतलब लगातार 12 whole 1/2% और 25% मोर देन अ थर्ड नंबर। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट ऑफ सेकंड, ये बोला है। मतलब कह रहा है कोई थर्ड नंबर है उसे 12 whole 1/2% और 25% लगातार नंबर ज़्यादा है, तो मान लेते हैं। देखो ये हम ऐसा कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन नंबर है, हम एक लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट थर्ड नंबर जो है वो 100 है। ऐसे कर, ये जब 100 है तो ये कितना हो जाएगी हमारा, इतना जो ये हो जाएगा, ये इतना है तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इससे, इसको मैंने इससे कंपेयर करी, इसको ही मैंने इससे कंपेयर करी। ठीक है, ये जो है इससे कितना ज़्यादा है, 12 whole 1/2 और 20, इतना मैंने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, अब बोला जो परसेंटेज बोल रहा है, परसेंटेज परसेंटेज जो बोल रहा है कि फर्स्ट का सेकंड से ऑफ, तो फर्स्ट नंबर को ऊपर लिखेंगे और सेकंड नंबर को नीचे लिखेंगे, तो फर्स्ट नंबर हमारा कितना है हमारा ये, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना ये आधा हाफ होता है। ठीक है, अपन यहाँ 100 का मल्टीप्लाई हुआ, परसेंटेज पूछ रहा, ये सॉल्व होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5, ये 4, इसको जब सॉल्व करें तो कितने बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, और फिर ये 12, 2 बार, ये 5 बार, यानी कि 4, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये 90% ज़्यादा आया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में आपको क्या कर दिया, यहाँ पर 120 कर दिया, इस वजह से आंसर आपको मैच नहीं करेगा और उसको हिंट को देख के करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ये ऐसे नंबर बहुत बार पूछे गए हैं, थर्ड को कंपेयर करके फर्स्ट को कंपेयर कर लेंगे, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको हम 100 मान लेते हैं, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों, ए पर्सन इन्वेस्ट 89,856 इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, वो इतना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, विच इज 20% ऑफ हिज एनुअल, ठीक है, इनकम। व्हाट इज मंथली इनकम, मतलब जो कह रहा है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड में वो इतना पैसा इन्वेस्ट करता है, इतना पैसा, वो पैसा है कितना, 26%। आप पूछा उसकी मंथली इनकम क्या होगी, मंथली ऑफ हिज मंथली इनकम एनुअल, तो देखिए मंथली इनकम पूछी है, इसकी मंथली इनकम क्या होगी। ठीक है, अब
इन्वेस्ट क्या कह रहा है, 26% ऑफ एनुअल, मतलब साल का, पूरी साल में जो भी है उसका 26%, यानी कि पूछा दिया आपको साल के अकॉर्डिंग, पूछा आपका मंथली के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, पहले तो हम उसकी एनुअल एनुअल इनकम निकालते हैं, तो टोटल, ठीक है, एनुअल इनकम उसकी कितनी होगी, 100%, ठीक है। अब मुझे जो दिया गया है, इन्वेस्ट कितना करता है, इन्वेस्ट वो इतना करता है 89,856, ठीक है, रुपीज़ है वो कितना, 26%, यही तो है, 26% के बराबर ये हमारा, यही तो है बोला है उसने, ठीक है। अब बताइए 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 100 तो जब 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इवन 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, अब जो इनकम है, ये जो वैल्यू है पूरी साल की, एनुअल इनकम निकाली, तो मंथली इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, मंथली इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो हम ना जो भी एनुअल पूरी साल होती है उसमें 12 का डिवाइड दे देंगे, तो ये जो है 8,9,8,8,5,6 अपॉन 26 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये जो बात समझ में आ गई, ये जो वैल्यू है पूरी एनुअल की है, गॉट इट, एनुअल में हम पूरा 12 का डिवाइड करें तो ये मंथली इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28,800, ये आपको आपको ये आंसर आ जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे ना तो हमारा ये इतना ही मिलेगा, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना आराम से, यार टाइम वेस्ट रहेगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना आप होमवर्क बना लो भाई, इतना सर ने जो बोला है भाई ऑनेस्टी के साथ हमें करके दिखाना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे करना है। द डिफरेंस बिटवीन, ध्यान रखना, जो डिफरेंस बिटवीन का मतलब अंतर है इसमें और इसमें, तो डिफरेंस बिटवीन क्या बोला गया, ये लिख लेते हैं स्टेटमेंट, लेकिन लिखने की भी, द डिफरेंस बिटवीन किसकी बच्चे, 54% एंड 26%, कितना अंतर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, नहीं कर लेते, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 8 कैरी टू में 28%, समझ के 28% हमारा जो है इतना है, तो 28%, ठीक है, कितना हमारा इतना है, इसके बराबर है, ठीक है, तो ये हम इतना लिख लें, ठीक है, तो बोला है व्हाट इज 66%, ठीक है, तो हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, अब जब टोटल नंबर पूछा तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, पूछा इतने का तो 66, तो 66% हमारा ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर जो आएगा, इसको सॉल्व करने के मैं आंसर लिख रहा हूँ 53,097, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने से, ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत आप भी करें, इतना मैंने तो बता दिया, आप कैलकुलेशन करना, इससे इसको काट देना, फिर इसको डिवाइड कर देना, आपको इतना मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं बच्चों।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 तक ही रखते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमें और भी क्लास लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं आसपास तो ज़रूर हेल्प करें, इससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। मिलते चलो नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।